define success? Achievement. देखिए जिंदगी के अंदर सक्सेस कामयाबी क्या होती है कि आप एक गोल बनाते हो, अब वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वॉट एवर जो भी हो, अब उस गोल को अचीव करते हो, दैट इज योर सक्सेस। लेकिन अगर आप किसी और का विजन, किसी और के गोल को परसीव कर रहे हो और उसको परसू कर रहे हो, तो ये आपकी सक्सेस तो नहीं हुई ना, ये उसकी सक्सेस हुई जिंदगी के अंदर। तो हमेशा जिंदगी में याद रखेगा कि गोल सेटिंग जब भी हो, डिसीजन मेकिंग जब भी हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा खुद डिसाइड करें। देखें, आप इस दुनिया के अंदर अकेले आए थे, कोई साथ आया था? नहीं आया था ना। ये आपकी अपनी लाइफ है। जब आपको तकलीफ होती है इस दुनिया के अंदर, आप उस तकलीफ को, उस पेन को, उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को किसी और को फील करा सकते हैं उस तरीके से। मुझे अगर कांटा चुभा है, मेरी हड्डी में अगर दर्द है, मैं अगले को बता तो सकता हूँ, लेकिन वो फील नहीं दे सकता उसको। सो इट्स योर लाइफ, योर डिसीजंस। जिंदगी के अंदर हमेशा अपने डिसीजंस बनाए आप। देखो, मरना बहुत आसान होता है, जीना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी जीने के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है, उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद इंसान कुछ आगे जाता है। जितने भी बड़े लोग थे, चाहे दीन के अंदर थे, चाहे वो दुनिया के अंदर थे, जिन्होंने नाम बनाया बाकायदा, उनकी पर्सनल लाइफ को आप साइड में करते, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ थी, जो लोगों के साथ थी, आप उसको कभी स्टडी करें। आप मार्क जुकरबर्ग देखें, आप बिल गेट्स को देख लें, आप स्टीव जॉब को देख लें, आप आइंस्टाइन को देख लें, कितने फेलियर्स थे लाइफ के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स। लोगों की बातें थी, तुम करोगे, आज हम डिसीजन नहीं ले सकते ना। आज हम देखें जिन्होंने लिया, और कुछ लोग ऐसे भी होते जिंदगी के अंदर डिसीजन ले लिया, फैमिली वालों से ऑपोजिशन ले ली, लाइक यू, वो कह रहे थे कि मेडिकल में जाओ, आपने डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग में जाना, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि वो जो डिसीजन आपने लिया, वो जो इनिशिएटिव आपने लिया, उसके पीछे जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, इट्स योर इन्फॉर्मेशन, इट्स योर नॉलेज, दैट इज योर इंटरनल मैकेनिज्म। इंसान का एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है और एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म होता है। इंटरनल मींस व्हिच इज रिलेटेड टू योर नॉलेज, योर परसेप्शन, योर इन्फॉर्मेशन, योर फैक्ट्स एंड फिगर्स। डिसीजन क्या होती है? डिसीजन का लिंक हमेशा दो चीजों के साथ होता है, एक नॉलेज के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, जो एक परसेप्शन बिल्ड करती है आपका, और उसके बाद कुछ इनिशिएटिव, कुछ प्लानिंग, और देन प्रोसीडिंग। यानी कि एक का ताल्लुक इंसान के इल्म के साथ होता है, दैट इज नॉलेज, और एक इंसान के अमल के साथ होता है, दैट इज एक्शंस एंड इनिशिएटिव। तो जिंदगी में सम टाइम आप इनिशिएटिव ले तो लेते हो, लेकिन जो आपके पास नॉलेज जो आई है, वही करेक्ट नहीं थी, इनकरेक्ट नॉलेज। इनकरेक्ट नॉलेज से आपने एक परसेप्शन बनाया, उससे एक प्लान बनाया, उस प्लान को आपने इनिशिएटिव किया, और आप रोड पे आ गए, पहुंच जाएंगे सही जगह पे, नहीं पहुंचेंगे। और कितने ही लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट, नॉलेज भी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है, पता है कि मैं पूरा, उनके पास प्लान मौजूद है, थ्योरी पूरी मौजूद है, लेकिन इस कॉम ने प्रैक्टिस नहीं करनी, उसको उसके लिए इनिशिएटिव नहीं लेने। और ये हमारे साथ मसला है, डिजायर्स, हम नहीं कर सकते। हमें पता है मैं ये काम करूंगा, मुझे पता है मैं ये काम करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है, मेरे पास उसका पता है, इन्फॉर्मेशन, खबर, नॉलेज है मेरे पास उसकी, लेकिन नहीं कर रहा। अगर मैं, आप लगता है पहुंच जाओगे। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर मसला है, करप्शन है, तब भी आपकी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं आ सकती, डिसीजन आपका सही नहीं हो सकता। और अगर आपके पास थ्योरी बहुत अच्छी है, बुक्स आपके पास बहुत अच्छी है, आपके पास बहुत बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर्स मौजूद है, थीसिस मौजूद है आपके पास, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल करने की, इनिशिएटिव लेने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, वो गट्स नहीं है, तो आप बहुत सारे लोगों की तरह दुनिया के अंदर बैठे रहेंगे। तो अगर आप समझते हैं दुनिया के अंदर आपने हमेशा सही डिसीजन लेना है, तो ये फॉर्मूला याद रखेगा, दैट इज इल्म एंड अमल, इल्म एंड अमल, नॉलेज, राइट नॉलेज विद योर राइट डायरेक्शन। आपके पास नॉलेज भी सही होनी चाहिए और आपकी जो डायरेक्शन है वो भी सही होनी चाहिए।